मुझे आपकी सुरक्षा की बहुत चिंता है। अब दिल्ली में भी है लगभग 25,000 एक्टिव केसेस और ये ऑन पेपर रिकॉर्ड्स पर सानू की, क्योंकि आप उनके पास है पूरे 5,000 हॉस्पिटल बेड, 100 आईसीयू बेड और ढेर सारे ऑक्सीजन सिलेंडर्स। 2015 के बाद केजरीवाल जी ने दिल्ली मॉडल पर कितना कार्य किया है ये हम सब जानते हैं। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पौंडेचेरी जैसे राज्यों में दिल्ली मॉडल को सोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनाकर खूब आम आदमी पार्टी ने अपना प्रचार किया और खूब वोट भी बटोरे, हालांकि वो किसी काम आए नहीं। इस आरटीआई के तहत 2015 के बाद दिल्ली में एक भी अस्पताल नहीं बना है, ये आरटीआई ऐसा कहता है। वैसे तो एक चीफ मिनिस्टर का काम लोगों का मनोबल बढ़ाना होता है, सरकार किसी परिस्थिति में कितनी तैयार है ये लोगों को बताना होता है, कार्य करना होता है, आपदा के समय में रैपिड डिसीजन लेना होता है। मगर कि परसों रात को 3 बजे के करीब उनके अस्पताल की ऑक्सीजन लगभग खत्म हो गई। सो नो फिक्र व्हेन केजरीवाल इज आवर मित्र। लास्ट टाइम सुना था कि अच्छा तो देश की स्थिति सारे दारू लेके जी रेवेन्यू बढ़ा रहे हो जी, क्या करना फिर? दारू पियो, कोरोना भगाओ और अर्थव्यवस्था में योगदान बढ़ाओ। केजरीवाल की सरकार ने इस मोटो को कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लिया है। आपको लग रहा होगा कि मैं मजाक कर रहा हूँ, मगर यही वजह है कि मिनिमम एज ऑफ एल्कोहल कंजम्पशन हैज बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम 25 to 21 बाय आवर माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल, क्योंकि इन्होंने पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था कि स्टेट पे फंड्स की और भारत वर्ष में वैक्सीन की कमी होने जा रही है। आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में 5 लाख लीटर एल्कोहल कंजम्पशन लोग एक महीने में कर जाते हैं और ये सब सरकारी आंकड़े। इस 5 लाख में 10 से 17 साल की उम्र के बच्चे भी अपना संपूर्ण तरीके से योगदान देने में लगे हुए। मुद्दे की बात यह है कि शराब और अन्य नशीले पदार्थों को बच्चों की रीच से बाहर रहे, इसका कोई प्रबंध ना करके दिल्ली के मुख्यमंत्री इसकी अवेलेबिलिटी को और ज़्यादा आसान बना रहे हैं ताकि रेवेन्यू ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट किया जा सके। और अब ये वैक्सीनेशन और टेस्टिंग की क्या ही ज़रूरत है जब हमारे पास अल्कोहल पिलाकर सबका कोविड और स्टेट रेवेन्यू जनरेट करने का रामबाण इलाज है। पर अगर कोविड इडियट्स की लिस्ट को खंगाले तो आम आदमी पार्टी नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने भी उच्च स्तर पर झंडे गाड़ने का काम किया है। लास्ट ईयर तबलीगी जमात वर द सो कॉल्ड रीजन फॉर फर्स्ट सिवियर वेव ऑफ कोरोना, पर ये जो इस साल कुंभ मेला हो रहा है उसका क्या? हालांकि जब कुंभ शुरू हुआ था तब कहा जा रहा था कि कोविड इज अंडर कंट्रोल। जब महाराष्ट्र में केसेस बढ़ रहे थे तब सबको लगा था कि बीजेपी राजनीति कर रही है, मीडिया खरीद चुकी है, जी उद्धव ठाकरे की सरकार भी तो गिरानी है ना। और वैसे भी कुंभ मेले में तो कोविड के रूल्स का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। अरे सभी आए श्रद्धालुओं के पास कोविड नेगेटिव रिपोर्ट्स हैं, सबसे इम्पोर्टेंट मास्क तो सब पे है ही। मगर कुंभ मेले को पूरी तरह तबलीगी जमात से तुलना करना भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि नर्स और डॉक्टर पे थूकने का काम, आइसोलेशन वार्ड से भागने का और टेस्ट ना करवाकर देश के अलग अलग राज्यों में छिपने का काम कुंभ मेले के श्रद्धालुओं द्वारा अभी तक तो नहीं किया जा रहा है। एस्टिमेट के अनुसार कुंभ मेले में 1,00,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट होना था और कोविड के समय में इतना रेवेन्यू किसी भी प्रदेश के लिए बिल्कुल कम नहीं है। इससे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और हिमाचल के लोगों को काफ़ी भारी बिजनेस मिलने वाला था, टूरिस्ट इंडस्ट्री को काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला था। मगर अनफॉर्चुनेटली इस बार ये एस्टिमेट पूरा नहीं हो सका है क्योंकि कई सारे राज्यों में लॉकडाउन लग चुका है। वैसे तो किसी ने कहा है कि चैरिटी बिगिंस एट होम, पर ये भारत है, यहाँ प्राण जाए तो जाए पर शान ना जाए। तभी तो देश के लोगों के पैसे से बने वैक्सीन देश के लोगों के लिए ही उपलब्ध नहीं है बल्कि बाहर के देशों में एक्सपोर्ट की जा रही है। अपने देश में 9 करोड़ वैक्सीन देकर 6 करोड़ वैक्सीन बाहर दे दी और अपने ही देश में वैक्सीन की शॉर्टेज हो गई तो खुद रशिया से वैक्सीन को इम्पोर्ट कर ली।
क्योंकि हमें तो इम्पोर्टेड चीज़ों की आदत है ना, और अपने देश में लोगों के लिए माल तो इम्पोर्टेड ही आना चाहिए बॉस। माना कि कूटनीतिक रिश्ते बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं और हम मोदी जी का इसमें पूरा साथ भी देने को तैयार हैं, मगर क्या आपको नहीं लगता कि किसी भी सरकार के लिए कोरोना जैसी महामारी के चलते अपने लोग भारतीय प्रायोरिटी होने चाहिए। कहते हैं डर है इसलिए मास्क है, वो बात अलग है कि ये डर कोरोना का नहीं बल्कि पुलिस की 2000 की पर्ची का है। इसीलिए सीपी के इनर सर्कल पे घूम रहे एक मजदूर जिसकी एक दिन की दिहाड़ी 300 है, उसने मास्क नहीं पहना तो उसको 2000 का चलान होगा। ये बात, ये नीति कितनी इम्प्रैक्टिकल है ये समझना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, मगर एक IIT पास आउट को ये बात कहाँ समझ आएगी। और यही इम्प्रैक्टिकल नीतियों के कारण आज भारत वर्ल्ड कोरोना केसेस में सेकंड नंबर पे आ चुका है, ब्राज़ील को पीछे छोड़ते हुए, क्योंकि भाई हम शर्मा जी के लड़के हैं, टॉप करना तो हमारी आदत है। और ये क्या वेयर इज PM का ट्रेंड चालू कर दिया है, पहले देश का युवा ये तो पता लगा ले कि तब रसोड़े में कौन था। भाई प्रधानमंत्री है देश के, सारे देश में हर स्टेट में भारतीय जनता पार्टी का परचम भी तो लहराना है, फिर चाहे वो वेस्ट बंगाल हो या बिहार। मुझे स्टेट्स के नाम ना सुनाई देते हैं ना दिखाई देते हैं, सिर्फ एक मुल्क का नाम सुनाई देता है, BJP। और अब वेस्ट बंगाल की बात आई है तो थोड़ा दीदी पे भी वार्तालाप कर ले। दीदी ने हाल ही में चंडी पाठ पढ़ा और साथ ही अपने आप को शांडिल्य गोत्र का बताया। अरे भाई वेस्ट बंगाल में कितने कोरोना के मामले हैं, कितने लोग मर रहे हैं, कितने बेड चाहिए, इन सब से दीदी को क्या फर्क पड़ता है। दीदी को फर्क पड़ता है तो टूटे पैर से और अपने शांडिल्य गोत्र से, क्योंकि इस साल भारतीय जनता पार्टी ने वेस्ट बंगाल इलेक्शन को ऐसा ड्रास्टिक शिफ्ट दिया है कि राजनीति अब हिंदुत्व के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आ रही है। क्योंकि इस साल माइनॉरिटी का जो मुद्दा था जिससे हर साल ममता बनर्जी इलेक्शन जीतती थी, वो थोड़ा हल्का पड़ता हुआ नजर आ गया है। इसीलिए तो ममता बनर्जी ने अपना गोत्र शांडिल्य बताते हुए चंडी पाठ पढ़ा था। वही ममता बनर्जी हैं ये जिन्होंने 2019 में अपने आप को हिंदू बोलने से भी मना कर दिया था। क्या गजब का शिफ्ट आया है, मोदी जी के लिए तालियां तो बजती रहनी चाहिए। अब दीदी की बात कर ली तो पप्पू भैया में भी थोड़ा बहुत वार्तालाप हो जाए। राहुल गांधी ने वेस्ट बंगाल में कोविड के चलते पोल कैंपेन कैंसिल कर दिया है। जैसे कि अब तक तो वेस्ट बंगाल में बड़े जोरों शोरों से कांग्रेस पार्टी अपना प्रचार कर रही थी। कांग्रेस पार्टी ने एक राष्ट्रीय पार्टी होने का पूरा कर्तव्य निभाते हुए वही टैक्टिक्स अपनाई जो कांग्रेस पार्टी ने हाल ही में दिल्ली इलेक्शंस में अपनाई थी। ये टैक्टिक है प्रचार ना करने की, क्योंकि दिल्ली और वेस्ट बंगाल दोनों ही जगह अगर कांग्रेस पार्टी प्रचार कर लेती तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी का और वेस्ट बंगाल में दीदी यानी तृणमूल कांग्रेस का वोट बैंक बट जाता। व्हाट अ स्ट्रेटजी राहुल गांधी, मजा आ गया। पर अब सीरियस नोट पे बात करें तो भारत में अनेकों राज्यों में लॉकडाउन की शुरुआत हो चुकी है। देश की राजधानी में भी संपूर्ण तरीके से 7 दिन का लॉकडाउन लगाया जा चुका है, जो कि एक्सटेंड होकर 15 दिन का होने में पूरे चांसेस नजर आ रहे हैं। इसी के साथ साथ हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में भी लॉकडाउन लगाने की बात छिड़ चुके हैं, मगर आपकी इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। हर्षित गुलाटी, VFN News, एंड डेमोक्रेसी इज वेरी ब्यूटिफुल।